हेलो ब्रिलियंट्स, अभी कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एमसीक्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 2.2 के बाद में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है एमसीक्यू में वो देखते हैं, समझते हैं और फिर इसे करते हैं। क्वेश्चन में है, इफ़ ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइंस देन सोल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज डैश। कि अगर ए और बी ये दोनों ही अगर अपोजिट साइन की है तो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू ये जो ए एक्स प्लस बी इज़ टू जीरो है तो ये जो है हमारे लिए इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी या फिर वन होगी। तो ये जैसे हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए करते हैं। तो फिर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले तो a, b जो है वो उधर जाएगा, माइनस का b हो गया और x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाय ए। अब क्योंकि डिफरेंट साइन कह रखा है, डिफरेंट साइन मान लेते हैं कि b का पॉजिटिव ही था और a का नेगेटिव था, अगर ऐसा भी लेके चलते हैं तो। कि देखो माइनस तो ये एक अलग चीज़ हो गई, अब बी बाय ए रह गया ऐसे। अब बी अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि माइनस बी अगर हम पॉजिटिव मान ले और ए है वो नेगेटिव मान ले तो ओवरऑल क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो प्लस का बी बाय ए जो भी वैल्यू होगी साइन को छोड़ करके वो आ जाएगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आई है। और अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव हो गया तो माइनस और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव और नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट है ना, साइन अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, अपोजिट साइन होंगे। ये जो था नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो फिर भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ इसमें से चारों ऑप्शन में से, ये वाला कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर सेम साइन होता तो आंसर इसका नेगेटिव आता। राइट, समझ में आ गया आपको, तो आसान था ना। ऐसे ही इस तरीके से आप इसे सॉल्व कीजिए, समझिए फैक्ट क्या है। फैक्ट आपको अगर क्लियर है तो आप आसानी से इस तरीके के सॉल्यूशन चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। तो आप चुटकियों में कीजिए ऐसे सम्स, लेकिन बेसिक क्लियर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5। बाय।